वैसे आईली सारी जिंदगी उसके नाम पर बैठी रहोगी? मेबी मेरे जाने के बाद शहजाद से कभी कहीं मुलाकात हुई? नहीं आपा, आपके कहने पे जब मैं वहां गई थी तो वहां कोई नहीं था, वो लोग जा चुके थे। सर, आपका पासपोर्ट वगैरह सब चीजें रेडी, कल रात की रवानगी है। बेगम साहिबा ने ये पैगाम दिया है, वो खुद आएंगी। सालिका जी। वालेकुम सलाम। शहजाद साहब होंगे? कौन शहजाद? शहजाद साहब का घर है ना ये? आ जाए। हाय। हाय, क्या हुआ? कुछ नहीं, जस्ट वांट टू से हाय। बस ये पूछना था कि यू के आइलीन, आई एम सॉरी, वो बिना तुमसे पूछे मैंने पारिस को बता दिया कि तुम यहाँ आई हुई हो। मैंने उसे कहा था कि वो आए, बैठे, बात करे, बट आई डोंट थिंक ही इज इंटरेस्टेड। वो बहुत गुस्सा है कि तुम घर छोड़ के आ गई, तो वो अभी बात नहीं करना चाह रहा है। But I'll keep trying. कम और इश्तेहारात ज्यादा चलते हैं। खबरें भी तो एक बिजनेस बन गई हैं अब। बेकरी गए थे? अच्छा संभाला है नुमान और साउथ ने, महीने का हिसाब दिया आज। बस बेटा, और तुम्हारी नौकरी? कॉलेज की बड़ी बेइज्जती हो रही थी बाबा मेरी वजह से। सब कुछ वापस लेंगे इज्जत से, सर उठा के। आपा, आप ऐसे क्यों खड़ी हैं? अंदर आ जाएं। आए आपा, बुखार उतरा? नहीं, वो बस मैं। आपा, एक आप मेरी बात भी तो नहीं मानती ना, मना भी किया था आपको फिर भी चली गई। सर में दर्द है, कोई गोली है तो दे दो। बैठे आप। हाय, ये ले आपा। और इस वक्त हम आप लोगों के लिए लाए हैं ब्रेकिंग न्यूज। पाकिस्तानी अवामी पार्टी PAP ने इलेक्शन से पहले अहम कुल ऐलान किए हैं। जनाब खालिक अली जमा की अलालत के बाद सबका यही सवाल, कौन होगा पार्टी का नया लीडर? और बेगम रुकैया, जिनके बारे में 100% यही माना जा रहा था कि वही होंगे अपने वालिद की पार्टी का अगला नाम, लेकिन आज जो नाम पार्टी के तौर पर अनाउंस किया गया है वो इनका नहीं बल्कि इनके शौहर शहजाद सलीम साहब का है। शहजाद सलीम साहब पिछले कई साल से दुबई में मुकीम थे और अपना बिजनेस देख रहे थे। अब देखना ये है पार्टी के ये नए लीडर क्या नया मोड़ लेंगे पार्टी के लिए और पाकिस्तान के लिए। शहजाद सलीम तुम्हारा बाप है।
मैं तो बहुत देर बाद आया हूँ पाकिस्तान। आप लोग खबर वाले लोग, खबरें तो आपके पास होती हैं, सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए। जहाँ तक सियासत का सवाल है तो बस इतना ही कहना है कि इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। फिजाओं का इस धूप का और छाँव का, बदलेगा रंग फिजाओं का इस धूप का और छाँव का। वेलकम होम शहजाद, ये घर आपके कदमों का मंतजर है। This way, please. वालेकुम अस्सलाम। रहने दो, मैं कर लूंगी। जी बेगम साहब। मेरे घर में आज बहार आई है। ये शायरी वो सियासत वाली तो नहीं है कहीं? सियासत दुनिया के लिए, लेकिन आपके लिए सिर्फ प्यार है। पता, जब इंतकाल के वक्त अब्बा ने आपका नाम लिया तो मुझे लगा था कि आप नहीं मानेंगे। उनका हुक्म कभी टाला नहीं मैंने, इनकार करने की हिम्मत ही नहीं रही कभी। अरे रुकिया, कितनी बार कहा है ऐसे मत किया करो प्लीज। आप हर बार मुझे मना करते हैं और मैं हर बार आपसे यही कहती हूँ कि मेरी मोहब्बत पर टोक ना लगाया करें। पता है मुझे घबराहट सी होने लगती है। अब ये सारा काम, ये पार्टी आपकी है, मैं बस थकती जा रही हूँ। यार मैंने अब्बा का बिजनेस संभाला है, पार्टी नहीं, और अभी पार्टी हूं ना आपके साथ। मैं कहां जा रही हूं, हर कदम पे आपके साथ हूं। मैं जानता हूं, लेकिन तुम ये नहीं जानती ना कि ये नाम, फेम, शोहरत, मीडिया, बहुत घबराने लगता हूं मैं। सब ठीक हो जाएगा। पता है अब्बा ने कोमा में जाने से पहले जो आखिरी लफ्ज बोला था वो आपका नाम था, और उनका कहा हुआ हर लफ्ज पार्टी के लिए, हम सब के लिए पत्थर पे लकीर है। सो स्वीट ऑफ यू। अरे वाह, गजरे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपके लिए पहने। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, प्लीज दरवाजा खोल दे यार। अम्मी दरवाजा खोलें, अम्मी प्लीज दरवाजा खोलें, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, प्लीज दरवाजा खोल दे यार। खुदा का वास्ता दरवाजा खोलें प्लीज। अम्मी दरवाजा खोलें, अम्मी प्लीज दरवाजा खोलें, खुदा का वास्ता दरवाजा खोलें प्लीज। पारस रहने दो बेटा, कुछ देर उनको अकेला छोड़ दो। आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ, आ जाओ।
नहीं होगा, आपके पास बैठने से मुझे कुछ नहीं होगा। दर्द कैसी है? अभी दवा लेंगी, ठीक हो जाएगा सब। सांस कैसे खत्म कर सकता हूँ? मैं तो सिर्फ तुम्हारी तकलीफ कम करने की कोशिश कर सकता हूँ, है ना? ठीक हो जाएगा, चेंज कर लेंगे, साफ कर लेंगे सब। नर्स, आए आप जरा चेंज कर दें अम्मा को अच्छी तरह से, सही कर देंगे अभी, ठीक है? सब साफ हो जाएगा, मैं यही हूँ अम्मा, ठीक है? बाबा, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो और किसकी इजाजत से? उनसे मिलने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। जरूरत है, और मेरी इजाजत की। वारिस, तुम इस तरह नहीं जा सकते। वारिस, आराम से बैठ के बात कर लो। पापा, आप बैठ जाएं। बेटा, तुम आराम से बैठ के बात करो। बात करने का टाइम खत्म हो गया। इतने दिनों से सोच रहा हूँ, ना कोई तस्वीर है, ना कोई पता है, ना कोई ठिकाना है, ढूंढू तो ढूंढू कैसे? अब खुदा ने जब मुझे उनके सामने ऐसे लाके खड़ा कर दिया, हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठूंगा। उसकी शान और शौकत देखी है तुमने? क्यों उसकी इज्जत बर्बाद करने पे तुले हो? आपको भी वे उनकी बदनामी का ख्याल है? ये कमाल तो मैं भी देख रही हूँ। अपा, मैं आज तक कुछ नहीं बोली, मगर ये क्या तरीका है? उसने पलट कर नहीं देखा और आपको अभी भी उसकी इज्जत की परवाह? कैसे ठाट से रह रहे, किस खानदान में उसने शादी की है? हैरत की बात है, किस तरह चूहे की तरह बिल में घुसकर बैठा है। हर एक को अपनी अपनी परवाह है, लेकिन आपको आज भी? मुझे भी अपनी ही परवाह है। मैं नहीं चाहती कि मेरे बारिश किसी तरह की दुश्मनियां पाले। अरे, इसमें हिम्मत है उनका मुकाबला करने की? अब इस बहस का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं जिस राह पर चल पड़ा हूँ उस मंजिल तक पहुँच कर ही दम लूंगा, चाहे जितने भी अजाब टूटे। आप लोग इस मामले में अपने दिमाग पर जोर मत डालें, क्योंकि मुझे जो करना है जैसे करना है मैं सब जानता हूँ। आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूं। ये मेरी जंग है, मुझे लड़ने दें। जाओ वारिस, खुदा तुम्हें कामयाब करे। जाओ बेटा। हम चाह के भी आते तूफान को नहीं रोक सकते, तो वक्त जैसे बहार आए बह जाना चाहिए। कभी कभी इसमें ज्यादा आसानी होती है। देखो कौन मिल रहा है। रो लो, दिल खोल के रो लो। सब उल्टा सीधा हो गया, सब गलत हो गया। बारिश, बारिश ने तुम्हें इस हाल तक पहुंचाया ना। बैठो। मैं उसे अपने दिल से नहीं निकाल सकती। लेकिन उसने तुम्हें अपने दिल से निकाल दिया है। समझ में नहीं आ रहा, एक ऐसे शख्स से इतना प्यार जो तुम्हें पूछ तक नहीं रहा, उसी प्यार की वजह से तुम अपने माँ बाप के घर तक नहीं आई। क्या करती मैं घर आके? अब्बा तलाक करवा देते तो और क्या होना चाहिए? मैं उसे अभी वक्त देना चाहती हूँ। तो फिर वहीं रहती ना, यहाँ क्यों आ गई तुम अपना घर छोड़ के? आंटी, आंटी प्लीज, आप आइलिन को प्रेशराइज मत करें। शुक्रिया अदा करो इस शख्स का जो मुझे यहां तक ले आया। अगर तुम्हारे अब्बा को पता चल जाता तो वो ना जाने क्या कुछ कर जाते। अभी भी तुम्हारा दर्द समझता है ये, तुम्हें बचा रहा है ये। हाँ।
आंटी देखिए, फिक्र नहीं करें, सब ठीक होगा। जो अलीन चाहती जैसे चाहती बिल्कुल वैसी होगा। कोई फिक्र की बात नहीं, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। ये बिल्कुल उसी तरह रहेगी जैसे ये बारिश के साथ रह रही हो। बिल्कुल फिक्र नहीं करें, ये बिल्कुल ठीक रहेगी। अल्लाह करे सब ठीक हो जाए। शहजाद साहब, ये मैंडेट है और साथ इसके तफसीलात भी हैं। देखें, जब आप सब लोग साथ हैं तो सब ठीक ही होगा। मैं आपको और पूरी पार्टी का शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने खुले दिल से मुझे पार्टी हेड तस्लीम किया। बड़े साहब की कोई भी बात हमने कभी टाली नहीं है और ना ही टालने की हिम्मत है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं आप सबका और इस पार्टी का जबरदस्ती हेड बन गया हूं? हमारी पार्टी में जोर जबरदस्ती का कोई रिवाज नहीं है शहजाद साहब। पार्टी वर्कर्स को पूरी आजादी हासिल है कि अगर वो किसी डिसीजन से डिसएग्री करते हैं तो वो पार्टी छोड़कर जा भी सकते हैं। सना हमारी पार्टी की बहुत पुरानी वर्कर है। देखिए, पार्टी में तो ये सब बातें चलती रहती हैं। मेरा ख्याल सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम इलेक्शन की तैयारी करें, उसके मुतल्लिक कोई प्रिपरेशन। आप क्या बता रहे थे, बताइए। अंदर जाना है। क्या हो गया भाई, बॉम्ब बांध कर थोड़ी आया हूँ। चलो ऐसे पीछे करो गाड़ी। आगे लग गए भाई, शहजाद साहब से मिलना इम्पोर्टेंट काम है। ऐसे कैसे मिलना है? अभी दवाई मिलेगी ना, तो सब आए आए। एक मिनट, बस। बस। न जाने किसकी बदुआ लग गई है। मैम, सर, नर्स आइए आप प्लीज इधर। सर, हमें नहीं पता उस लड़की के क्या इरादे हैं, पर अभी फिलहाल वो हमारी कस्टडी में है। सर, ये अपोजिशन के घटिया हथकंडे आते ही शुरू हो गए, हमें फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए। नहीं नहीं, अभी नहीं ऑफिसर, आप पहले ये पता करें कि ये लड़का कौन है। ओके सर। अच्छा चलें, प्लीज रिज्यूम, हम क्या बात कर रहे थे। ठीक है, आप जाइए। जी मैम, आप क्या कह रही थी? अंदर क्यों जाना चाहता था? कौन हो? अबे किसके लिए काम करते हो? बताया तो है आपको, शहजाद साहब से मुलाकात करनी थी। क्यों? ये मैं सिर्फ उन्हीं को बताऊंगा। बकवास कर रहे हो? तू कहेगा और मिलेगा उनसे? किया क्या मैंने? जबरदस्ती मिलने तो नहीं चला गया ना, दीवार फलांग के इजाजत ही मांग रहा हूं। आप मुझे ऐसे नहीं बिठा सकते यहां पर। ओ, अब तू हमें ये बताएगा कि हम यहां किसको बिठा सकते हैं और किसको नहीं है? अस्सलाम वालेकुम। साईं। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ।
साईं इसे छोड़ दें, ये मेरा दोस्त है। अच्छा, ये तुम्हारा दोस्त है। बैठिए। अरे ये कोई पागल वागल तो नहीं है? नहीं नहीं, बेचारे के पास जॉब नहीं है। मसला ये इसलिए गया था उनके पास, बहुत परेशानी है, बिनतहा परेशान है। देखें इसे छोड़ दें, मैं गारंटी देता हूँ। अच्छा ठीक है, अगर आप इसकी गारंटी लेते हैं तो छोड़ देता हूँ मैं इसे, लेकिन आइंदा ये वहां दिखना नहीं चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, आ जा। ले जा सकते हैं आप। बहुत शुक्रिया। हेलो। जी सर। सर वो नौकरी के लिए परेशान था, वो जॉबलेस था। जी जी, गारंटी ले ली है मैंने। सर जान पहचान का बंदा था। जी 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 सर, मैं बिल्कुल उस पर नजर रखूंगा। जी 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 जी, ओके सर, ओके। थोड़ा अकल का इस्तेमाल करो बारिश। अंकल अगला सीएम वही है। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें ऐसे ही अचानक जाके, ये सब कुछ इतना आसान नहीं तो है। क्या अपॉइंटमेंट लूं उससे मैं? हाँ मेबी, शायद यही एक बेहतर तरीका हो। और अगर ज्यादा इश्यू उछालना है ना तो मीडिया है, एक काम करो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ और उसकी अपनी मां की इज्जत को। यार बारिश ये इतना आसान नहीं है। I'm sorry आंटी, कत्ल का इल्जाम है, 2 बार उम्र कैद। ऐसी औरत को मानेंगे या शहजाद को? क्यों अपने मुंह पे कालक मल रहा है? For God's sake यार अब्बास, कालक मल रहा हूं कि उतार रहा हूं? I'm sorry, मगर मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है। बारिश बेटा देखो, जो भी करना सोच समझ के करना, कोई बईद नहीं कि वो लोग तुम्हें भी जेल में बंद करवा दें। और वहां से बाहर आना हम जैसों के बस में नहीं होता। मुझे जो समझाना था मैंने समझा दिया, तुम्हें जो करना तुम करो। मुझे चलना है, नूर का डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, मैं चलता हूँ। अरबाज बेटा, आइलिन कैसी है? कैसी होगी, मैं उसको जितना खुश रख सकता हूँ मैं रख रहा हूँ। बस करते हैं, ये हमारा टाइम है, बहुत हो गया काम, ये हमारा टाइम है। अरे भाई इतनी बड़ी जिम्मेदारी है तो काम भी तो करना है ना। सारा दिन होता है ना काम करने के लिए, ये हमारा टाइम है। अच्छा ये बताओ कि वो मारिया और बच्चे कैसे? खुश है, लेकिन आपके दामाद साहब बहुत नाराज हैं, आप उससे बात नहीं करते हैं। सुबह करता हूँ कॉल उसे। जरूरी है, मारिया आने का प्लान कर रही है। नहीं मुझे नहीं लगता अभी आएगी वो, अभी तो छोटे का स्कूल शुरू हुआ है। हाँ मैं भी उसे यही कह रही थी। सुने आज जो हुआ है उससे ज्यादा कैजुअल मत लें। कुछ नहीं होगा मुझे। अभी तो आपने कह दिया है, दोबारा मत कहिएगा। मेरा कोई नहीं आपके सिवा। किसी के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों कर रहे हैं आप ऐसी बातें? जज्बात की नाव डूब के ही रहती है। कुछ नहीं होगा मुझे, कुछ नहीं होगा। बहुत शुक्रिया इतनी इमरजेंसी में टाइम देने के लिए। शैला कैसी? वैसी है। क्या मतलब? उसे तो खुश होना चाहिए कि उसका बेटा उसके साथ है।
उनकी खुशी किसी और चीज में। एसपी साहिबा, आपकी हेल्प चाहिए। बोलो। मुझे शहजाद साहब से मिलना है, प्लीज मिलवा दीजिए। शहजाद साहब रुकैया बेगम के? खैर तुम्हें क्या करना है? कुछ कहना है, कुछ सुनना है। ऐसा क्या है बारिश? मैं भी नहीं बता सकता, प्लीज। तो भला मैं तुम्हें कैसे मिलवा सकती हूँ? मेरा यकीन कीजिए एसपी साहिबा, मेरी माँ के केस से उनका बहुत गहरा ताल्लुक है। बस एक मुलाकात। उधर क्या खड़ी हो? ये लो। ये क्या है भाई? पुडिंग विद जेली। पुडिंग बोर हो रही थी तो बना ली। बहुत ही मजे की है यार। तुम एक काम करो ना, तुम किचन से बोलो परमानेंटली। नहीं बाकी मैं बहुत मजे की है, बहुत मजे की है। इसके सोने का टाइम हो गया। सर अभी आप कमरे के अंदर चले, अभी आप बाहर नहीं जा सकते। कौन है, हुआ क्या है? सर बस सर्च कर रहे हैं, आप प्लीज अंदर चलिए। थैंक यू सर। सर अभी आपकी मूवमेंट नहीं हो सकती। मूवमेंट नहीं हो सकती? जी सर अभी नहीं हो सकती। ओके ठीक है। जी सर। सर सिक्योरिटी सिस्टम वाले से मेरी बात हो गई है, सिस्टम में कोई भी खराबी नहीं है। Somebody try to do something। कोई बंदा, कोई क्लू? बेगम साहिबा कोई नहीं था, बहुत स्ट्रेंज बात है ये। सर अब आपको भी अलर्ट रहना होगा, इसलिए हमने आपकी सिक्योरिटी को टाइट कर दिया। क्या आपको किसी पर कोई शक है? सर कल का आपका सारा प्लान रीशेड्यूल कर दिया है। मेरा ख्याल है कि अब से मीटिंग्स घर पे ही करें। मतलब वो जो हमारा दुश्मन है उसको आप ये बता दें कि हम उसके डर से घर पे बैठ गए? शहजाद आप समझ नहीं रहे। अरे कहां घुसे जा रहे हो? अंदर जाना। गेट से सब अंदर ही जाते हैं। मैं भाई साहब नौकरी के सिलसिले में आया हूँ, मैंने बात की भी है, मैं बस थोड़ा। ये पार्टी का ऑफिस है, कोई नौकरी का ऑफिस नहीं है। चल फुट यहाँ से। खुदा का वास्ता है, बहुत जरूरतमंद आदमी हूँ, सिर्फ थोड़ी देर के लिए जाऊंगा और फिर निकल जाऊंगा। समझ नहीं आ रही, चलो यहाँ से। भाई साहब मैं आपसे तमीज से बात कर रहा हूँ, आप बदतमीजी कर रहे हैं। बस थोड़ी देर के लिए जाऊंगा, प्लीज भाई साहब। चल यहाँ से। कहाँ से आते हैं नौकरी ढूंढने के लिए?
चल अंदर चलो काम करो पहले। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूं। ये दरवाजा कहां का है? ये तो सिर्फ स्टोर रूम है। हमेशा बंद रहता है? कचरे से भरा हुआ है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, लेकिन तुम प्रॉमिस करो कि तुम माइंड नहीं करोगे बिल्कुल भी। बोलो। अरबाज में सोच रही थी कि मैं कहीं और शिफ्ट हो जाऊं। सुन रहा हूं, बोलो। नहीं, बस मैं यही सोच रही थी कि मैं कोई जॉब कर लूं और किसी स्टूडियो अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाऊं। ठीक है, कर लो, कोई मसला नहीं है। लेकिन तुम नूर को कहां छोड़ोगी? जॉब करोगी तो नूर को कहीं छोड़ोगी ना? कहां, मैके या ससुराल? क्योंकि दोनों के दरवाजे तो तुमने बंद कर लिया था आपने। लेकिन मैं ऐसे हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकती। देखो, तुम जॉब करो और इस कमरे का किराया दे दो। एटलीस्ट यहाँ सेफ हैंड्स में तो होगी ना नूर? पर बाज मैं कब तक ही हूँ? दुनिया वाले फिर? दुनिया वाले? तुम्हें कब से ख्याल आने लगा दुनिया वालों का? हाँ, जब बारिश ना हो रही थी या जब अंकल आंटी से पट्टा कर रही थी? क्या कहा था तुमने उस वक्त? भाड़ में जाए दुनिया वाले, कहा था ना? देखो एलिन, मैं बात करूंगा बारिश से तुम्हारे लिए, ठीक है, तुम दोनों की। मगर जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता तुम यहीं पर रहोगी। तुम जब भी फैसले के बारे में बात करते हो ना, मेरा दिल डूब जाता है। नहीं डूबने दूंगा, कश्ती को सिर्फ किनारे रखने की कोशिश कर रहा हूं ना, बस। घर ही मिल लेता यार, एक नजर भर के देख लेता उसे। शायद वही नहीं देखना चाहती है। वारिस, what do you expect? यही तो करेगी वो। I think she wants to take some legal action. Legal what? Divorce? Arbaz, is she thinking of divorce? Put some sense into her. पागल हो गई है वो। बारिश, बारिश।